जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन्हें जनता का आइडियल बनना चाहिए वे कई बार शर्मसार करने वाली हरकतें करते नजर आते हैं। भाजपा विधायक राकेश गिरी और सांसद डॉक्टर वीरेन खटीक के बीच हुई भिड़ंत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो टीकमगढ़ का है। यह वीडियो उस वक्त का है जब टीकमगढ़ प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग लेने के लिए कलेक्टर सभागार में पहुंचे थे। इस दौरान टीकमगढ़ कलेक्टर, एसपी, सांसद वीरेंद्र खटीक, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना, भाजपा महामंत्री अभिषेक खरे रानू और सिंधिया के खास समर्थक माने जाने वाले विकास यादव सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि विधायक राकेश गिरी उत्तेजित होकर ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग ही टीकमगढ़ का विकास नहीं होने दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश से जैसा काम होना चाहिए उस काम में रोड़ा अटका रहे हैं। बहस के दौरान उन्होंने सांसद वीरेंद्र खटीक को खरी खोटी सुनाई, बीजेपी जिला अध्यक्ष को भेदभाव करने वाला बताया और कहा कि आप सब मिलकर टीकमगढ़ में जो विकास होना चाहिए उसमें मुख्य रोड़ा अटका रहे हो और सबकी पोल खोल दूंगा। विकास यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 10 साल से मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और सिंधिया के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। आपको बता दें कि वे ये सब जब बोल रहे थे उस वक्त वहां मौजूद प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़, कलेक्टर सुभाष द्विवेदी और एसपी प्रशांत खरे मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। टीकमगढ़ के इतिहास में शायद पहली बार कलेक्टर सभागार में कलेक्टर की उपस्थिति में इस प्रकार की अनुशासनहीनता विधायक और कार्यकर्ताओं ने की होगी। हिंडाल्को महान पावर एल्युमिनियम की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।